नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो राठौर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको जो क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग और बिटकॉइन ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में अगले 21 डेज यानी कि नेक्स्ट जो 3 वीक के सेशंस है उसके बारे में अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट 21 डेज में आप भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट बन सकते हैं अगर आपने जो मेरे ट्रेनिंग सेशंस हैं उनको फॉलो किया तो देखा तो अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट 3 सेशन में मैं आपको ये बताऊँगा कि नोवा एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कैसे करें और कैसे उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करें अपना अकाउंट, और लाइव ट्रेडिंग कैसे होती है वो मैं बताऊँगा। फिर बिट्रेक्स एक्सचेंज पर अपना अकाउंट कैसे बनाएं और लाइव ट्रेडिंग कैसे होती है वो मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। नेक्स्ट है coinexchange.io, कॉइन एक्सचेंज पर भी मैं आपको बताऊँगा क्रिप्टोपिया एक्सचेंज पर कैसे रजिस्टर करें और कैसे उस पर ट्रेडिंग करें उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा। और जीडेक्स एक्सचेंज है, इस पर भी क्रिप्टो लाइव कैसे ट्रेडिंग करें हम उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद आता है पोलोनिक्स एक्सचेंज पर लाइव ट्रेडिंग कैसे करें, कैसे बाई और सेल करें, किस कॉइन को किस तरह से बाई करें और सेल करें। ये जो करंट रेट आप देख रहे हैं ये आज का करंट रेट है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉइन मार्केट कैप का क्या रोल है, क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है एक्सचेंज है उन सब में कॉइन मार्केट कैप पर क्या रोल है और कॉइन मार्केट कैप पर कॉइन को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या करना पड़ता है और इस मार्केट कैप पर जो भी कॉइन रजिस्टर्ड है वो लीगल है या नहीं है या कितने दिन के लिए वो रजिस्टर्ड है यहाँ पे। तो कॉइन मार्केट कैप के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है मैं वो आपको बताऊँगा कि चार्टिंग कैसे करते हैं, किसी भी कॉइन का जो रेट का फ्लक्चुएशन है चार्ट के द्वारा वो कैसे रीड किया जाता है, मार्केट की वैल्यू क्या है करंट, और जितने भी टूल्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कॉइन का जो है स्टडी का ग्राफ है उसको हम स्टडी कैसे कर सकते हैं और फिर उसको ग्राफ को देखते हुए हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि GIT हब का क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है उसमें क्या रोल है, ठीक है। GIT हब, MIT हब, तो GIT हब का क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है उसमें क्या रोल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये GIT हब, तो इसके बारे में आपको डिटेल से डिस्कस करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद कॉइन मार्केट कैप का हो गया, नेक्स्ट आता है यूनो कॉइन। आप अगर आप इंडिया में रहते हैं, अगर आप बिटकॉइन का जो ट्रेडिंग है वो करना चाहते हैं, बिटकॉइन से जुड़ना चाहते हैं, इंडियन रुपीज़ को बिटकॉइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं या बिटकॉइन को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यूनो कॉइन से कैसे जुड़ें और अपना अकाउंट कैसे बनाएं और उसके साथ अपना रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन कैसे करें, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको अपने जो सेशन है उनमें बताऊँगा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जैप पे, जैप पे जो बाई एंड सेल बिटकॉइन इन इंडिया का जो एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, वहाँ पर आप अपना अकाउंट कैसे रजिस्ट्रेशन करें और बिटकॉइन के साथ कैसे जुड़े, INR को बिटकॉइन में कैसे कन्वर्ट करें। करंट बिटकॉइन का रेट चल रहा है 3,55,483 रुपीज़ एक बिटकॉइन का आज की वैल्यू है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिटकॉइन का जो अकाउंट है जैप पे पर कैसे बनाएं, कैसे वेरीफाई कराएं और जो लाइव ट्रेडिंग है बिटकॉइन से कैसे करें। उसके बाद आता है ब्लॉकचेन का, ब्लॉकचेन पर अकाउंट कैसे रजिस्ट्रेशन करें, ब्लॉकचेन पर जो बिटकॉइन का अकाउंट है वो कैसे सिक्योर करें, कैसे वेरीफाई करवाएं, इन सब चीज़ों के बारे में आप बताऊंगा नेक्स्ट मेरे जो 3 सेशन है, ठीक है।